हेलो एवरीवन वेलकम टू मी रीडिफाइनिंग एजुकेशन साइंस के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है कोबाल्ट सिक्सटी इज़ कॉमनली यूज इन रेडिएशन थेरेपी बिकॉज इट एमिट्स गामा रेज कोबाल्ट सिक्सटी को हम लोग रेडिएशन थेरेपी में क्यों यूज़ करते हैं क्योंकि कोबाल्ट सिक्सटी से कोई रेज निकलता है वो कौन सा रेज है गामा रेज है लार्ज कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स यूज़ अमोनिया एज रेफ्रिजरेंट वाइल डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स यूज क्लोरोफ्लोरोकार्बन सी एफ सीज वाई अमोनिया कैन बी लिक्विफाइड एट एम्बियन टेम्परेचर एंड लो प्रेशर क्योंकि अमोनिया को हम एम्बियन टेम्परेचर मतलब नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है और लो प्रेशर है उस पर हम लिक्विफाई कर सकते हैं लेकिन सी एफ़ सीज़ को नहीं कर सकते इसीलिए लार्ज कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स जो हैं वो अमोनिया को यूज़ करते हैं एज अ रेफ्रिजरेंट और डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स में सी एफ सीज यूज होते हैं मोस्ट ऑफ़ द एक्सप्लोजनस इन माइंड अकर्स ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ जो माइंस में जनरली जो एक्सप्लोजनस होते हैं ना वो क्यों होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो मीथेन है वो एयर में मिक्स हो करके एक्सप्लोजन हो जाता है सो so, मीथेन एयर में मिक्सिंग हो जाती है ठीक है so, सो कोबाल सिक्सटी इज कॉमनली यूज इन रेडिएशन थेरेपी बिकॉज इट एमिट्स गामा रेज लार्ज कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स यूज अमोनिया एज रेफ्रिजरेंट वाइल डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स यूज सी एफ सीज वाई बिकॉज अमोनिया कैन बी लिक्विफाइड एट एम्बियन टेम्परेचर एंड लो प्रेशर

रेडियो एक्टिव सब्सटैंस अमाउंट ऑफ सब्सटैंस लेफ्ट आफ्टर फोर मंथस इज इक्वल टू हाफ इज जरकोनियम रेडियो एक्टिव क्या जरकोनियम रेडियो एक्टिव होता है नो जरकोनियम इज नॉट रेडियो एक्टिव आयोनिक कंपाउंड आर इनसोल्यूब इन एल्कोहल क्या ये बात सही है क्या आयोनिक कंपाउंड एल्कोहल में सोल्यूबल है नहीं है सो आयोनिक कंपाउंड आर इनसोलिबल इन एल्कोहल दिस स्टेटमेंट इज ट्रू मैं कैरेक्ट्रिस्टिक बोलूंगा आपको पार्टिकल का नाम बताना है जीरो मास न्यूट्रीनो फ्रैक्शनल चार्ज क्वार्क फ्रैक्शनल स्पिन पॉजिट्रॉन इंटीग्रल स्पिन फोटोन जीरो मास न्यूट्रीनो फ्रैक्शनल चार्ज क्वार्क फ्रैक्शनल स्पिन पॉजिट्रॉन इंटीग्रल स्पिन फोटोन आयोनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या ये बात सही है नहीं गलत है आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं वॉट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द सबशेल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है मैगनेटिक कोंटम नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द सबशेल लिक्विड सोडियम इज एम्प्लॉयड एज अ कोलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स लिक्विड सोडियम को न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज अ कोलेंट यूज़ करते हैं क्या ये बात सही है हाँ बिल्कुल ये बात सही है चलिए रिकेप करते हैं कोबाल सिक्सटी इज कॉमनली यूज इन रेडिएशन थेरेपी बिकॉज इट एम इट्स गामारेज Large cold storage plants use ammonia as refrigerant while domestic refrigerators use CFCs. Why? Because ammonia can be liquefied at ambient temperature and low pressure. Most of the explosions in mines occur due to mixing of methane in air. In an atom, the order of filling up of orbitals is governed by which principle? Aufbau's principle. What do you mean by half life of 4 months of a radioactive substance? Amount of substance left after 4 months is half. Is zirconium radioactive? No. Ionic compounds are insoluble in alcohol. True or false? True. जीरो मास न्यूट्रीनो फ्रैक्शनल चार्ज क्वार्क फ्रैक्शनल स्पिन पॉजिट्रॉन इंटीग्रल स्पिन फोटॉन आयोनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रू ऑफ्स फॉल्स वट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द सब शेल लिक्विड सोडियम इज एम्प्लॉयड एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स ट्रू फॉल्स क्या हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में लिक्विड सोडियम को कूलेंट की तरह यूज करते हैं हाँ करते हैं विच ग्लास कैन कट ऑफ यूवी रेज कौन से ग्लास से हम लोग यूवी रेज काट सकते हैं विच ग्लास कैन कट ऑफ यूवी रेज मतलब कौन से ग्लास यूवी रेज मतलब क्या बोलते हैं ना काट सकते हैं मतलब उसको यूवी रेज क्रॉस नहीं करेगा उसको ठीक तो so है तो आंसर इज क्रूक्स ग्लास सो विच ग्लास कैन कट ऑफ यूवी रेज क्रूक्स ग्लास इन ड्राई सेल बैटरी वॉट आर यूज एज इलेक्ट्रोलाइट्स ड्राई सेल बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट्स क्या यूज होता है एनएच फोर सी एल एंड जेड एन सी एल टू अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड एंड क्लोराइड। इन ड्राई सेल बैटरी वाटर यूज्ड एज इलेक्ट्रोराइड्स एनएच फोर सी एल एंड जेड एंड सी एल टू वॉट इज द एग्जॉस्ट प्रोड्यूस्ड बाई हाइड्रोजन सेल व्हीकल्स हाइड्रोजन सेल व्हीकल्स से एग्जॉस्ट क्या प्रोड्यूस होता है वाटर वॉट इज द एग्जॉस्ट प्रोड्यूस्ड बाई हाइड्रोजन सेल व्हीकल्स एच टू ओ द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स हेवी वाटर का क्या काम है न्यूक्लियर रिएक्टर में ये काम इसका काम है हेवी वाटर का काम है कि न्यूट्रॉन्स के स्पीड को स्लो कर देना वाटर कैन डिजोल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड वाई वाटर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है रेदर कंपेरेटिवली टू अदर सब्सटेंस क्यों क्योंकि वाटर जो होता है ना वो डाइपोलर होता है नेचर में सो वाटर इज डाइपोलर इन नेचर एन पी के फर्टिलाइजर्स आर मिक्सड फ़र्टिलाइजर्स ट्रू अ फॉल्स येस एन पी के फर्टिलाइजर्स मिक्स फर्टिलाइजर्स हैं एन मतलब सोडियम पी से पोटाशियम सॉरी पी से फॉस्फोरस और के से पोटाशियम द केमिकल यूज एज अ फिक्सर इन फोटोग्राफी इज़ सोडियम थायोसलफ़ेट द केमिकल यूज एज अ फिक्सर इन फोटोग्राफी फोटोग्राफी में केमिकल यूज़ करते हैं फिक्सर के तौर पर वो कौन सा केमिकल है सोडियम थायोसलफ़ेट हाउ मनी असेंशियल न्यूट्रेंट्स आर देयर विच आर रिक्वायर्ड बाई द प्लाट्स फॉर इट्स हीलिंग एंड प्रॉपर ग्रो हेल्थी एंड प्रॉपर ग्रोथ थर्टीन सो कितने असेंशियल न्यूट्रिय हैं प्लांट्स को के लिए थर्टीन और थर्टीन को कैसे याद रखोगे छः मैक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं और सेवन माइक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं जो छः मैक्रो mac है उसका नाम है सी एस एन पी के मैगी सी एस एन पी के मैगी सी एस एन पी के मैगी कार्बन सल्फर नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम मैग्नीशियम सी एस एन पी के मैगी और माइक्रो न्यूट्रेंट सेवन आते हैं जैसे यहाँ पे इसको यहाँ से याद रखेंगे मोबस जन कल जन और फेविकॉल सो देर आर थर्टीन एसेंशियल न्यूट्रेंट्स आउट ऑफ विच सिक्स आर माइक्रो न्यूट्रेंट माइक्रो न्यूट्रेंट्स में छः आते हैं उसको याद रखने के लिए है सी एस एन पी पीके मैगी दैट इज कार्बन सल्फर नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम और मैग्नीशियम और सेवन माइक्रो न्यूट्रेंट्स आते हैं उसको याद रखने के लिए मोबस जन मनकू फेविकॉल मोबस मतलब एम ओ मोलिबडेना मोम्बोर जन मनकू मतलब जंग जिंक मैंगनीज और कॉपर और फेविकॉल मतलब आयरन एंड क्लोरीन सो हाउ मेनी एसेंशियल न्यूट्रेंट्स आर देयर विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर इट्स हेल्दी एंड प्रॉपर ग्रोथ थर्टीन थर्टीन को याद कैसे रखना है छः इसमें आ जाएंगे माइक्रो न्यूट्रेंट्स में और सेवन आ जाएंगे माइक्रो न्यूट्रेंट्स में सिक्स माइक्रो न्यूट्रेंट्स एंड सेवन माइक्रो न्यूट्रेंट्स माइक्रो न्यूट्रेंट्स में सी एस एन पी के मैगी सी मतलब कार्बन एस सल्फर एन नाइट्रोजन पी फॉस्फोरस के पोटेशियम और एम जी से मैंग मैग्नीशियम और माइक्रोन्यूट्रेंट्स में सेवन आते हैं उसको याद करने के लिए मोबस जनमनकू फेविकॉल मोलिबेनम बोरोन जनमनकू मतलब जिंक मैंगनीज कॉपर और फेविकॉल मतलब आयरन एंड क्लोरीन लिक्विड सोडियम इज एम्प्लॉयड एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूक्लियर लिक्विड सोडियम को एज अ कूलेंट यूज़ करते हैं गैस yes, बिल्कुल करते हैं सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू विच ग्लास कैन कट ऑफ यू वी रेज कौन सा ग्लास यू वी रेज को काट सकता है दैट इज़ क्रूक ग्लास इन ड्राई सेल बैटरी वाट आर यूज एज इलेक्ट्रोलाइट्स ड्राई सेल बैटरी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं हम लोग एनएच फोर सी एल एंड साइडेंसील टू वट इज द एग्जॉस्ट प्रोड्यूसड बाई हाइड्रोजन सेल व्हीकल्स जो हाइड्रोजन सेल व्हीकल्स होते हैं उसमें जो एग्जॉस्ट प्रोड्यूस होता है वो क्या क्या होता है वाटर द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर इन इन न्यूक्लियर एक्टर इज न्यूक्लियर एक्टर में जो हैवी वाटर का क्या फंक्शन है हेवी वाटर जो न्यूट्रॉन्स का स्पीड है उसको स्लो कर देता है वाटर कैन डिजोल्व मोर सब्सटेंसेज दैन एनी अदर लिक्विड वाई वाटर सबसे ज़्यादा सब्सटेंसेज को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है क्यों क्योंकि वाटर डाईपोलर होता है नेचर का एन पी के फर्टिलाइजर्स का फुल फॉर्म क्या है नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम और क्या एन पी के फर्टिलाइजर्स मिक्स फर्टिलाइजर्स हैं हाँ बिल्कुल द केमिकल यूज एज अ फिक्सर इन फोटोग्राफी फोटोग्राफी में एक फिक्सर के तौर पर कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं सोडियम थायोसल्फेट और हाउ मेनी एसेंशियल न्यूट्रेंट्स आर देर इन विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर इट्स हेल्दी एंड प्रॉपर ग्रोथ थर्टीन और थर्टीन को कैसे याद रखना है सिक्स माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं सेवन माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं सिक्स माइक्रो न्यूट्रेंट्स में सी एस एन पैके पीके मैगी सी एस एन मतलब कार्बन सल्फर नाइट्रोजन पीके मैगी मतलब फॉस्फोरस पोटेशियम और मैग्नीशियम माइक्रो माइक्रो न्यूट्रेंट्स में सेवन आते हैं उसको याद रखने के लिए मोबस जन फेविकॉल मोबस मतलब मोलिबडेनम बोरोन जन मतलब जिंक मैंगनीज कॉपर और फेविकॉल मतलब आयरन एंड क्लोरीन मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तो तक ले बाय